आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला जो सवाल है वो सुरेश कुमार जी की तरफ से है। ये प्रश्न है जिस सेंट्रिक वो पूछना चाह रहे हैं, अपना एक पेट्रोल पंप वो खुद का सेटअप करना चाह रहे हैं लेकिन अभी वो फिलहाल जॉब में है। आप लाइन पर हैं सुरेश कुमार साहब? हाँ जी। आप जो ये सेटअप करना चाह रहे हैं मतलब क्या एग्जैक्टली प्लान है पूरा, इसमें कितने आप? ये सर जी आप एकड़ जमीन है सर, उसमें इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं सर। इसके लिए आपको कितने लोन की आवश्यकता है? ये सर 15 से 20 सर। इसमें आप खुद अपनी तरफ से कितना डाल सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से? ये सर डाल मतलब शुरुआत क्या है? हम पूछ रहे हैं जो कुल इसकी कॉस्ट होगी उसमें आपको भी अपनी तरफ से भी रकम डालनी होगी, वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब साथ में डाल सकते हैं आप भी? सात लाख कर दें सर। ओके, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? इनकम टैक्स हाँ सर। उसमें कितनी आपकी सालाना आय है फिलहाल? ये सर 2 लाख के करीब पड़ती सर। बलवंत साहब आपको बताएंगे। बलवंत साहब इनको इस जिस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसका एक्सपीरियंस उस प्रकार से नहीं है, एक नई तरफ हम देख रहे हैं काम की तरफ ये कदम रख रहे हैं। इसमें लेंडर्स किस तरह से देखेंगे, क्या क्या पहलू देखा जाएगा और कैसे इस प्रोसेस को ये आगे मूव कर सकते हैं? सौरभ जी ऐसा, सूरज जी को पेट्रोल पंप के लिए लोन चाहिए तो सबसे पहले तो जो लेंडर है, कोई भी आप बिजनेस लोन लेने जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस उस बिजनेस का जरूर देखेगा। अगर इनको वो बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो उनको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा चूंकि इनको बिजनेस लोन चाहिए और हर एक के बस की चीज नहीं होती है जो डेटा वगैरह बैंक को चाहिए होता है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी प्रोफेशनल आदमी है उनकी मदद लेके आप उसकी आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवा दीजिए, उसमें आप बता दीजिए कि आपको कितना लोन चाहिए, आपको कैसे क्या बिजनेस वगैरह होगा, आपको लोन कैसे कैसे सर्विस वगैरह करेंगे, और कोई भी बैंक को आप अप्रोच करिए। वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक CGT MSE स्कीम है, जो छोटे और मझले उद्योग है उनके लिए गारंटी की स्कीम है, तो उसमें 1 करोड़ रुपए तक का लोन है, वो जो गारंटी है 75% तक की जो गारंटी है वो ट्रस्ट देती है, 25% का जो रिस्क है वो लेंडर लेता है, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और अगर आपका प्रोजेक्ट बैंक को वायबल लगता है तो बैंक आपको उस स्कीम के अंदर लोन दे सकता है। और इसके अलावा वर्किंग जहां तक ये तो हो गया, आपको जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है उसका वर्किंग कैपिटल के लिए स्टेट बैंक की और स्टेट बैंक की सब्सिडी जैसे स्टेट बैंक के ट्रावणकोर है उनका जो स्कीम है वर्किंग कैपिटल का, जिसमें आपके जो बुक डेट्स है और जो स्टॉक है उसके हाइपोथेकेशन पे आपको ये वर्किंग कैपिटल का लोन मिलता है। जी, तो समय सीमित था तो कार्यक्रम को हमको यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा और आपका शुक्रिया करना चाहेंगे बलवंत जैन साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए।